हरिद्वार में नमामि गंगे योजना में ग्रामीणों के लिए सिंचाई हेतु बनाया गया नाला समय से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम प्रतापपुर में नाला टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। नाले का पानी ग्रामीणों के खेतों में भरने लगा है। सतपाल महाराज जी के ठेकेदार आश्रम में बैठ के ठेकेदारों को टेंडर दिए गए और आज इसका खामियाजा ये किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये देख लीजिए, अभी 6 महीने भी नहीं हुए और इसमें अगर कहीं भी कोई सीमेंट का दाना भी एक भी हो, पेवर आरबीएम भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखित गढ़वाली गीतों पर बनाई जा रही वीडियो एल्बम इन दिनों संगीत प्रेमियों और निशंक को पसंद करने वालों के बीच खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस एल्बम का वीडियो शूट इन दिनों उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में विभिन्न लोकेशंस पर कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हमारे जो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके गीत हैं, कुछ गीत हैं, उनका हम फिल्मांकन कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत वादियों में जैसे चोपता, तुंगनाथ और अभी हम लोग कर्णप्रयाग के बेल्ट पर हैं। तो अभी हम पहले चरण में 3 गाने शूट कर रहे हैं और 2 गाना मुझे भी गाने का सौभाग्य मिला और मीना राणा जी, अनुराधा निराला जी, सत्याधिकारी जी, तो तकरीबन 4-5 गीत उनके लिखे गीतों को उत्तराखंडी गायकों ने गाया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक सौभाग्य और मिला मुझे कि इस जो गीतों की जो माला बनाई है जिसके डायरेक्शन गणेश विरान जी कर रहे हैं और उसको फिल्माने का सौभाग्य भी मुझे मिला है कि उसमें शूट करना है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपदों में मौजूद पहाड़ी क्षेत्रों की खूबसूरत लोकेशंस पर इन गीतों को फिल्माया जा रहा है। हिमश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही इस वीडियो एल्बम में 6 गाने हैं जिन्हें फिल्म निर्देशन गणेश वीरान के निर्देशन में फिल्माया जा रहा है, जबकि संगीत संजय कुमोला ने दिया है। प्रसिद्ध लोक गायक किशन महिपाल, प्रीतम भरतवान, मीना राणा, अनुराधा निराला और सत्या अधिकारी ने गीतों को अपनी आवाज दी है। शनिवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर जनता के नाम संदेश जारी किया। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश की जनता को अवगत कराने के लिए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलेज या स्कूल किसी भी अभिभावक से किसी भी तरह की धनराशि वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में जो 3 विधेयक पास किए गए हैं वो यूं तो किसानों के हित में है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश का किसान कहीं भी धरना नहीं दे रहा। जहां भी धरना हो रहा है वो धरना अराजक तत्व कर रहे हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक IAS अधिकारी वी षणमुगम के बीच चल रहे विवाद को लेकर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की है। मामले की जांच प्रमुख सचिव मनीषा पवार को सौंपी गई है। जनपद पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से नवंबर माह में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पौड़ी जनपद में अपना खुद का एयर स्ट्रिप तैयार कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत के लिए कुछ दिनों तक ट्रायल चलेंगे। नवंबर में होने वाले इस एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल में एयर स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए 100 से अधिक पायलट प्रतिभाग करेंगे, जिससे पौड़ी जनपद में अपने पैरामोटर की लैंडिंग के साथ ही एयर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को भी पंख लग जाएंगे। इस कड़ी में पैराग्लाइडर्स के ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत आज एक पैराग्लाइडर देहरादून से 1.5 घंटे में पौड़ी पहुंचकर वापस भी भेज दिया गया है। हम लोगों ने अभी एक एयर स्ट्रिप बनवाया लगभग 400-500 मीटर का। उसके पीछे ये मंशा है कि एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को पौड़ी जनपद में उसका बढ़ावा देना है और दूसरा टूरिज्म को भी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो अभी जो एयर स्ट्रिप बना है तो उसमें भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं और टेक ऑफ पॉइंट जो हमारे डांडू खाल में है वहाँ से कल ट्रायल शुरू हो जाएगा। और कोई भी इवेंट शुरू करने से पहले मिनिमम शायद जो एक रिक्वायरमेंट है 30 से लेकर 32 तक पैराग्लाइडर्स का वहाँ पे ट्रायल होना ज़रूरी है। तो कल सुबह से हमारे ट्रायल शुरू हो जाएंगे, 8-10 पैरा ग्लाइडर्स हमारे देहरादून और अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ पे। और आज जो है एक पैरामोटर उड़ा है देहरादून से और 1.5 घंटे में लगभग देहरादून से वो बिलखेत पहुँचा होगा। तो अभी दोबारा आज यहाँ से फिर बिलखेत से फिर देहरादून के लिए वो रवाना हो गए हैं।